हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो पेश करने जा रहा हूं। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, ताकि इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिले। तो चलिए, बिना किसी वक्त या फिर बिना कोई वक्त ज़ाया किए हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन्स के बारे में आपने सुना होगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन्स जो लगातार अवकाश में या फिर स्पेस में घूमता रहता है, उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन्स में ज़्यादातर अवकाश यात्री या फिर स्पेस साइंटिस्ट वहाँ मौजूद होते हैं, वहाँ काम करते हैं, वहाँ स्पेस के बारे में कुछ नया नया संशोधन करते हैं। दोस्तों, क्या आपने इससे पहले कभी सुना है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन्स की किसी प्राइवेट कंपनी या फिर कोई निजी कंपनी के ज़रिए कोई प्राइवेट ट्रिप ऑर्गेनाइज़ की हो, वो भी हम जैसे इंसानों के लिए? तो नहीं। तो चलिए, आज इस बात से, इस रहस्य से पर्दा उठा लेते हैं इस मेरे इस वीडियो के ज़रिए। दोस्तों, अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है एक्सिम स्पेस, जो 2022 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन्स का प्रथम एवं पहला निजी यानी कि प्राइवेट ट्रिप ऑर्गेनाइज करने वाला है। इसके लिए उन्होंने 3 यात्रियों का चयन किया हुआ है। हर एक टूरिस्ट यानी हर एक यात्री को कंपनी को इस स्पेस ट्रिप यानी कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन्स की जो स्पेस ट्रिप ऑर्गेनाइज होने वाली है 2022 में, इसके लिए तकरीबन $5.5 करोड़ चुकाने होंगे। इसमें नासा के पूर्व कमांडर माइकल लोपेज भी शामिल होंगे, जो एक्सिम स्पेस कंपनी के एक वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का होद्दा पे विराजमान है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होल्ड करते हैं। कौन कौन से 4 अवकाश यात्री ऐसे या फिर कौन कौन से 4 स्पेस यात्री है यानी कि स्पेस ट्रैवलर है, उसके बारे में हम संक्षिप्त में जानकारी हासिल करते हैं मेरे इस वीडियो के ज़रिए। तो पहला नाम है माइकल लोपेज, जिसकी आयु है 62 साल। नासा के वे निवृत्त यानी कि रिटायर्ड अवकाश यात्री हैं। उन्होंने 2006 और 2007 के दौरान 3 बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा की है, ट्रिप की है। उनको टिकट लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वे एक्सिम स्पेस नामक कंपनी के वो वाइस प्रेसिडेंट है, तो ये बिल्कुल जाहिर सी बात है। दूसरे जो टूरिस्ट है, उसका नाम है लैरी कॉनर, जिसकी उम्र है 71 साल, जो इन चारों जो स्पेस ट्रैवलर है उसमें सबसे ज़्यादा उम्र इस इंसान की है, जिसका नाम है लैरी कॉनर। वो एक उद्योगपति है, एक्टिविस्ट है, इन्वेस्टर के तौर पर जाने जाते हैं, और अभी भी 71 साल की आयु में भी वो सक्रिय है। वो ओहायो में स्थित रियल एस्टेट फर्म द कॉनर ग्रुप के वो एक संचालक है। उनको उनकी भूमिका इस स्पेस ट्रिप में पायलट की होगी। वो शेयर बाजार में धुरंधर होने के बावजूद कार रेसिंग के भी काफ़ी शौकीन है। तीसरे टूरिस्ट का नाम है, जिसका नाम है मार्क पैथी, जिसकी आयु है 50 साल। वो कनाडा के एक इन्वेस्टर्स एवं एक बिजनेसमैन है। उनका रोल इस स्पेस मिशन में या फिर उनकी भूमिका इस स्पेस मिशन में एक मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पर होगी, और वे कनाडा के मॉन्ट्रियल में अनेक कंपनियों का कारोबार संभालते हैं और अनेक कंपनियां वो चलाते हैं। चौथे जो स्पेस टूरिस्ट है, उसका नाम है ईटन स्टीप, जिसकी उम्र है 63 साल। इजरायली वायुसेना के अति सफल और निवृत्त पायलट है। निवृत्त होने के बाद उन्होंने डिफेंस कंपनी की, अपनी खुद की निजी प्राइवेट डिफेंस कंपनी की स्थापना की थी, और मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पर इस स्पेस ट्रिप में अपनी भूमिका अदा करेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का मेरा वीडियो? आई होप आपको मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। सो अगर पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट्स बॉक्स में आप अपने कमेंट्स भी लिख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो सही मायनों में अच्छे लगे तो आप अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ शेयर कर सकते हो, और
मेरे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप मेरे वीडियो को देखते हो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। सो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपके लिए और ऐसे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता रहूँ। सो थैंक यू।